मोडिंग हाउस की तरफ से वेलकम। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस वॉच कर रहे होंगे और हमारे गेम प्ले को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहां पर बहुत सारे मोड्स हैं, इनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इनको वॉच करें और हमारे मोड्स को अपने पीसी में इंस्टॉल करें। तो चलते हैं आज के बेहतरीन मोड की तरफ। आज का मोड बहुत ही मुश्किल मिशन मोड है। अगर इसको आपने कम्प्लीट कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा इसमें, क्योंकि ये एक टर्मिनेशन मिशन मोड है और इसमें आपका सीजे एक टारगेट बन जाएगा पूरी सिटी के लिए। मैं ये कई दफा प्ले कर चुका हूँ लेकिन इसमें बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप इस मोड को प्ले करें, इंस्टॉल करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने इसको कंप्लीट किया या नहीं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे हमारे आने वाली वीडियोस का। तो चलते हैं इस मोड के डाउनलोड मेथड की तरफ। डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर moddinghouse.com टाइप करना है गूगल में और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा मोडिंग हाउस प्लेस ऑफ मॉडिफिकेशन, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास हमारा मेन पेज ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पर बहुत सारे मोड्स आपका वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मल्टीपल मोड यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा विंडोज भी मौजूद हैं GTA San Vice और अदर PC गेम्स की। और फर्दर आपके पास अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर विंडोज पे क्लिक करना है और विंडो पे क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल यहाँ पर पेज आ जाएंगे और यहाँ पर ओल्डर पोस्ट पर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आप सेकंड पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे मोड्स यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए। नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 6 और फर्दर और भी ज्यादा मोड्स आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सेकंड मेथड में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे आज के मोड पर जिसका नाम है GTA San Andreas टर्मिनेशन टारगेट किलिंग मिशन मोड। इसमें आपका सीजे जो है वो टारगेट बन जाएगा और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। आपने यहाँ पर बचना है पूरी सिटी के लोगों से। आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपने टारगेट्स को और स्टार्स को, वांटेड लेवल को, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है और एक्टिवेशन कीज मौजूद है। आप इसको टाइप करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद इसको रन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट स्किन्स मौजूद हैं। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है, आप इसको फॉलो करते हुए अपने गेम में इस मोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्दर आपके पास दूसरे मोड्स के बहुत सारे लिंक्स मौजूद हैं, आप इन लिंक से हमारी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई मोड चाहिए, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इन पोस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस मोड को डाउनलोड करने के लिए आपने क्लिक हियर पर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका लिंक अनलॉक हो सके। तो सब्सक्राइब का बटन आपके राइट साइड पर मौजूद है, आपने इसको प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिसके बाद आपका लिंक अनलॉक हो चुका होगा। आपने गेट लिंक पर प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर दो लिंक के ऑप्शन आ जाएंगे, आप किसी भी एक लिंक से इस मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लिंक 2 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक zip फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको प्रेस करना है, जिसके बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप 6.2 MB का ये मोड इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ और डेस्कटॉप पर प्लेस कर चुका हूँ। तो चलते हैं इस मोड के इंस्टॉलेशन मेथड की तरफ। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह की एक zip फाइल आएगी, आपने इसको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू GTS टर्मिनेशन मिशन मोड पर क्लिक कर, इसके बाद ये फाइल आएगी आपके पास, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर इस फोल्डर को भी ओपन करना है और फर्दर तमाम फाइल्स को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर को क्लोज कर देना है। इसके बाद आपके पास गेम का GTA San Andreas का फोल्डर मौजूद होना चाहिए। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने गेम आइकन पर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन में जाना है। तो यही फाइल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपने उनको पेस्ट कर देना है तमाम फाइल्स को। रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपने रिप्लेस भी कर देना है। तो ये मोड आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और आपने गेम को गेम आइकन से स्टार्ट कर लेना है। मैं आपको इसके कीज और एक्टिवेशन के बारे में बता दूंगा। आपने इसको प्ले करना है और हमें इस मोड को कम्प्लीट करना है, इस मिशन को, और हमें कमेंट्स में बताना है। तो गेम आइकन से आप गेम को स्टार्ट कर लें। तो गाइज हम मेन गेम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप अगर इस मिशन मोड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने टाइप करना है Fandango, जिससे आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आपके पास कोमियो कार है, इससे आप कार मंगवा सकते हैं जिसमें आपने ट्रेवल करना है और गिवन लोकेशन पर पहुँचना है और इस मिशन को कम्प्लीट करना है। दूसरे ऑप्शन में आप एरो की से मूव कर सकते हैं और स्पेस बार से इसको चूज करते हैं, जिससे आपकी लोकेशन जो है वो चेंज हो। आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपके पास डिफरेंट 3 ऑप्शंस हैं, जिससे आपका जेंडर चेंज हो सकता है, आपके आप नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं सिटी में रखना चाहते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, वांटेड लेवल को चेंज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने से आप वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जेंडर चेंज कर लेता हूँ। आपके पास मल्टीपल जेंडर हैं, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये जेंडर चूज़ कर लेते हैं, आपने एंटर प्रेस करना है जिससे ये बैक आ जाएगा। इसी तरह आपने अगर आप लोगों की तादाद यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो आप 50 रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आप जो आर्म है उनको भी चूज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें और इसको क्लोज करें। तो एंड पर आपने कोमियो कार चूज करनी है, स्पेस बार से आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कार आ जाएगी। और अब आपने जो है वो सिटी में मूव करना है। जैसे ही आप कार को मूव करना स्टार्ट करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका मिशन मोड और तमाम लोग आपको किलने की कोशिश करेंगे और आपने यहाँ पर बचना है।
तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कार को मूव करने की कोशिश की तो यहाँ पर आपका सीजे जो है वो किल हो चुका है। तो इस तरह ये मिशन मोड आपने कंप्लीट करना है और लोकेशन पर पहुँचना है और हमें बताना है कि मिशन आपने कंप्लीट किया या नहीं, या बहुत मुश्किल है या बहुत ईजी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।